क्वेश्चन वन, साइंटिफिक नेम ऑफ द क्राइसैंथेमम इज, गुलदाउदी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शंस है ए टैजिटस इरेक्टा, बी पॉलीएंथस ट्यूब्रोसा, सी डेंड्रेंथिमा ग्रैंडिफ्लोरा या डी डायंथस कैरोफिलस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डेंड्रेंथिमा ग्रैंडिफ्लोरा। क्वेश्चन टू, क्राइसैंथेमम ऑल्सो नोन एज, गुलदाउदी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है ए ग्लोरी ऑफ ईस्ट, बी गुलदाउदी, सी क्वीन ऑफ ईस्ट या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्राइसैंथेमम को ग्लोरी ऑफ ईस्ट, गुलदाउदी, क्वीन ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन थ्री, विच फ्लावर इज कंसिडर्ड एज द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, किस फूल को जापान का राष्ट्रीय फूल माना जाता है? ऑप्शंस है ए रोज, बी जरबेरा, सी क्राइसैंथेमम या डी मैरीगोल्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्राइसैंथेमम। क्वेश्चन फोर, फैमिली ऑफ द क्राइसैंथेमम इज, गुलदाउदी का कुल है? ऑप्शंस है ए एमेरिलिडेसी, बी कंपोजिटी, सी ओलिएसी या डी इरिडेसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंपोजिटी, जिसका दूसरा नाम एस्टीरेसी भी है। क्वेश्चन फाइव, क्रोमोसोम नंबर ऑफ द क्राइसैंथेमम इज, गुलदाउदी फूल की गुणसूत्र संख्या क्या है? ऑप्शंस है ए 2n=30, बी 2n=24, सी 2n=20 या डी 2n=18। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2n=18। क्वेश्चन सिक्स, नेटिव प्लेस और ओरिजिन ऑफ द क्राइसैंथेमम इज, गुलदाउदी का मूल स्थान क्या है? ऑप्शंस है ए चाइना, बी फ्रांस, सी इंडिया या डी मैक्सिको। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चाइना। क्वेश्चन सेवन, क्राइसैंथेमम इज विच टाइप ऑफ प्लांट, गुलदाउदी किस प्रकार का पौधा है? ऑप्शंस है ए लॉन्ग डे पेरिनियल प्लांट, बी लॉन्ग डे एनुअल प्लांट, सी शॉर्ट डे पेरिनियल प्लांट या डी डे न्यूट्रल प्लांट। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्राइसैंथेमम एक प्रकार का शॉर्ट डे पेरिनियल प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब कि ऐसे पौधे जिन्हें दिन छोटा चाहिए, रात लंबी चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। वहीं पेरिनियल प्लांट्स बारहमासी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें 2 साल से ज़्यादा का समय लगता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक पौधे की लाइफ साइकिल क्या होगी, मतलब कि वो ग्रो करेगा, फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, फ्रूट्स बनाएगा, सीड्स बनाएगा, तो ये जो जीवन चक्र है उसको कंप्लीट करने के लिए अगर 2 साल से ज़्यादा का समय लग रहा है तो उसे पेरिनियल प्लांट्स बारहमासी पौधे कहते हैं। क्वेश्चन एट, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ क्राइसैंथेमम इज, गुलदाउदी की व्यावसायिक प्रसार विधि है? ऑप्शंस है ए टर्मिनल कटिंग, बी सकर्स, सी हार्डवुड कटिंग या डी बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। टर्मिनल कटिंग एंड सकर, ये दोनों मेथड कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है ऑफ क्राइसैंथेमम। जब टर्मिनल कटिंग के थ्रू अगर हम प्रोपोगेशन कर रहे हैं क्राइसैंथेमम के पौधे का, तो उसमें जो टर्मिनल कटिंग ली जाती है वो हेल्दी प्लांट्स की ली जाती है, जिसका लेंथ 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। फिर उस कटिंग को रूटिंग हार्मोन में डिप किया जाता है ताकि उसमें रूट डेवलप हो जाए, और फिर उसे शेड में सैंड का जो बेड तैयार किया जाता है उसमें लगा दिया जाता है। और इस तरीके से टर्मिनल कटिंग के थ्रू हम प्रोपोगेशन करते हैं क्राइसैंथेमम के पौधे की। वहीं अगर सकर्स के थ्रू अगर क्राइसैंथेमम का प्रोपोगेशन करना है, तो क्राइसैंथेमम के पौधे में फूल आने के बाद तने को ज़मीन के ठीक ऊपर से काट दिया जाता है, जिससे कि साइड सकर्स बनने लगेंगे। फिर इन साइड सकर्स को सैंड बेड जो तैयार किया गया है उसमें लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नाइन, विच इज़ द जैपनीज स्टाइल ऑफ क्राइसैंथेमम कल्चर हुज मीनिंग इज ग्रोइंग 1000 ब्लूम। गुलदाउदी संस्कृति की जापानी शैली कौन सी है जिसका अर्थ है हजारों फूल उगाना? ऑप्शंस हैं ए इकबाना, बी सैनरिन सुकुरी, सी मोरीबाना या डी नाजेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सैनरिन सुकुरी। सैनरिन सुकुरी एक प्रकार का जैपनीज स्टाइल है, जिसका मतलब होता है ग्रोइंग 1000 ब्लूम्स, हजारों फूल उगाना। आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं इस प्रकार की संरचना बनाई जाती है, जिसे सैनरिन सुकुरी कहा जाता है। इसमें क्राइसैंथेमम के पौधे को कटाई छटाई करके एक डोम शेप बना दिया जाता है, जिसमें 6 से 10 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में चरणबद्ध तरीके से फूल एक दूसरे के समान दूरी में होते हैं।
Question 10. The art of training in chrysanthemum, which gives the effect of waterfall in blooming stage is? गुलदाउदी में ट्रेनिंग की कला जो खिलने की अवस्था में पानी गिरने का प्रभाव देती है वह है. ऑप्शंस है ए कैस्केड फॉर्म, बी बुश फॉर्म, सी फैन फॉर्म या डी सैन रिन सुकुरी. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैस्केड फॉर्म. कैस्केड फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग में क्राइसेंथेमम के पौधे को इस प्रकार से ट्रेन कर दिया जाता है कि वो ऊपर ग्रो ना करके नीचे की तरफ वो एज अ वाटरफॉल हमें दिखाई देता है, जैसे कि पानी गिर रहा है उस तरीके से हमें दिखाई देता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं. इस प्रकार की ट्रेनिंग को कैस्केड कहते हैं जो क्राइसेंथेमम में की जाती है.